स्टूडेंट्स, पूरे देश भर में हैशटैग को ट्रेंड कराना और आपके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पे सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के लिए लड़ना जो है आज सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जान चुके हैं सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जो है फाइनली फैसले तो कर दिए, पीएम ने फैसले किए, लेकिन जो है कुछ छात्र जो है इससे नाराज भी हैं। जहां क्लास 10 के छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने उनके एग्जाम्स को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, वहीं क्लास 12 के छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि उनकी परीक्षाओं को ली जाएगी, क्लास 12 की परीक्षाओं को कैंसिल नहीं की जा सकती है। सवाल कई सारे उठते हैं, सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर में ये साफ साफ मेंशन है कि 4 मई से 7 जून को होने वाली क्लास 10 की परीक्षाओं को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन क्लास 12 की परीक्षाओं को 1 जून के बाद रिव्यू किया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है, यानी क्लास 10 का परीक्षाओं को जो है पूरी तरीके से कैंसिल करने का जो मेन रीजन है वो ये रीजन ये है क्योंकि क्लास 10 के परीक्षाओं को अगर पोस्टपोन करते तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाता तो 11th की पढ़ाई कब करते, यानी कि पूरा तरीके से उनकी 11th की पढ़ाई भी मिस हो रही थी और कई सारे सेशन जो है उनका डिले हो रहा था। इसके कारण 10 को प्रमोट कर दिया गया ताकि वो आगे जो पढ़ाई है वो आगे मेंटेन कंटिन्यू कर सके, लेकिन 12 को प्रमोट नहीं किया गया, जिससे लेकर छात्र ये पूछ रहे हैं क्या हमारा डिले नहीं होगा। ये छात्र जो है लगातार जो है पूरी तरीके से कई सारे छात्र जो पोस्टपोन को लेकर जो है समर्थन में है, यानी कि खुश है कि पोस्टपोन हुआ है, उन्हें टाइम मिला है, लेकिन कई सारे छात्र इससे खुश नहीं है और इसको लेकर जो है पूरी तरीके से छात्रों की अलग राय है। आपकी भी एग्जाम्स को लेकर अलग राय होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि 12वीं को लेकर जो है फैसले हुए हैं, सही फैसले हुए हैं नहीं हुए ये केवल आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं। मैंने जो है आपका जो है कम्युनिटी पे जो है आपको वोटिंग भी मैंने आपके लिए जनरेट किया है, तो वहां पे एक बार वोट जरूर करिएगा क्लास 12 की परीक्षाओं को लेकर जो है छात्रों के लिए है। वहीं क्लास 10 का परीक्षाओं को कैंसिल हुआ उसके बाद छात्र जो है अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं आपके ट्विटर पे, खुशी जाहिर करते हुए क्लास 10 के जो छात्र हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री और सीबीएसई बोर्ड के तरफ से, यानी कि सीबीएसई बोर्ड को पूरी तरीके से खुश हैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा किए गए फैसले से, यानी कि उनका जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे सीबीएसई बोर्ड का जो है आपके स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन है पूरा हाई पर है, स्टूडेंट्स का जो जोश है हाई पर है, स्टूडेंट जो है खुशी उनकी जो है हाई पर है, स्टूडेंट्स पूरी तरीके से क्लास 10 के छात्र पूरी तरीके से खुश हैं सीबीएसई बोर्ड के फैसले से। एक बात आपको और भी इंपॉर्टेंटली जाना होगा, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपका जो मार्क्स है वो आपको दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ पढ़िए, आपके जो क्लास 10 का जो मार्क्स है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी शेयर करेगी। और एक बात सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे कहा है कि अगर क्लास 10 के छात्रों का जो मार्क्स मिलेंगे अगर उससे छात्र जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन को भी आपको जान लेना है, यानी क्लास 10 के परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है लेकिन ऑप्शन भी आपको दिया गया है। हेलो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डॉटनेट पे वीडियो सॉल्यूशंस। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डॉटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। आप लोग एग्जामिनेशन में बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन क्लास 12 के छात्रों को, सभी छात्रों को एग्जाम्स में बैठना होगा, ये सीबीएसई बोर्ड ने कह दिया है। आपकी परीक्षाओं को कैंसिल नहीं किया गया है, आपकी पोस्टपोन किया गया है। आप लोग एग्जाम्स को लेकर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या क्लास 12 की, यानी क्या क्लास 12 के छात्रों के लिए लड़ने की बारी आ गई है, क्योंकि अगर छात्र का रिएक्शन जो है पोस्टपोन को लेकर जो है पॉजिटिव नहीं है तो इसको लेकर भी कुछ करना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।